विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से राजा राम मोहन राय की ने समाज सुधार में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, उसी तरह दयानंद सरस्वती भी एक धार्मिक धर्म एवं समाज सुधारक जो थे। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीय संस्कृति को खोखला बना रहे हैं, इस कारण हिंदू पुनरुद्धार का एक आवश्यकता बन गया है। उनका जन्म दयानंद सरस्वती का जन्म काठियावाड़ की मोरवी रियासत के टंकारा कस्बे में हुआ। वे एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। बाल्यकाल से ही वे मूर्ति पूजा तथा धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ थे और इसीलिए 1845 से 60 तक उन्होंने ज्ञान प्रकाश और अमृत की खोज की थी। 1860 में वे मथुरा के स्वामी विरजादन के शिष्य बने, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म में पाई जाने वाली विसंगतियों को रोकने तथा उनसे समाज को मुक्त कराने का आदेश दिया। 1860 में विरजानंद के शिष्य बने और नाम मिला दयानंद। 1875 में बंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उनकी प्रमुख रचनाओं में सत्यार्थ प्रकाश, ऋग वेदादि भाष्य इत्यादि प्रमुख हैं। दयानंद सरस्वती ने यह महसूस किया कि हिंदू समाज की दशा बहुत दयनीय हो गई है और संपूर्ण समाज में नैतिक व बौद्धिक पतन हो रहा है। अतः हिंदुओं की दशा सुधारने और विदेशी तत्वों के आक्रमणों से उसे बचाना तथा हिंदू सामाजिक संगठन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य किया जाना आवश्यक है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया और लौकिक धर्म को सत्य और सार्वदेशिक बताया। वे संस्कृत के विद्वान थे तथा उनकी हाजिर जवाबी तथा सूक्ष्म तार्किक क्षमता विलक्षण थी। उन्होंने 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना करी, वह इस संस्था ने भी समाज सुधार, नारी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण तत्कालीन देशी रियासतों की तटस्थता रही थी। अतः देशी रियासतों को अपना कार्यक्षेत्र उन्होंने बनाया ताकि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ सके। इन्हीं देशी रियासतों में से जोधपुर रियासत के प्रवास में उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया और 1883 में जो है उन्हें विष दे दिया गया। तो ये हमने उनका संक्षिप्त रूप में जीवन परिचय देखा। अब हम बात करते हैं उनके सामाजिक चिंतन की। दयानंद सरस्वती चाहते थे कि देश की जनता और नरेश तथा बुद्धिजीवी वर्ग सामाजिक तथा राजनीतिक जागरण लाकर ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकते हैं। वे समाज सुधार को राजनीतिक चेतना के लिए से भी ज़्यादा जरूरी मानते थे। समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने सामाजिक असमानता का विरोध किया। उनका विश्वास था कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति का विकास समाज में रहकर ही संभव है, पर सामाजिक जीवन में व्याप्त असमानता से उसका विकास पूरी तरह नहीं हो सकता। अतः वे सामाजिक असमानता के विरोधी थे। उन्होंने वर्ण आश्रम धर्म का समर्थन किया और भारतीय समाज में व्याप्त वर्ण आश्रम धर्म का पर से उत्पन्न जाति प्रथा तथा छुआछूत का उन्होंने विरोध किया था। उनका मत था कि मनोवैज्ञानिक तथा व्यवसायिक कसौटी पर वर्ण का सिद्धांत उनके सामाजिक तथा व्यवसायिक संघर्षों का समाधान है। उन्होंने कहा कि वर्ण की कसौटी जन्म नहीं अपितु विशिष्ट कार्य करने की क्षमता है। इसी प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने हिंदू धर्म में
व्याप्त बुराइयों का विरोध किया। मूर्ति पूजा को उन्होंने वेद के विरुद्ध बताया। उनका कहना था कि नारी को दिए गए निम्न स्थान का उन्होंने विरोध किया और माना कि स्त्री पुरुष से किसी भी दृष्टि से है नहीं है। उन्होंने स्त्री को मातृशक्ति के रूप में पूजने पर बल दिया तथा स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार देने को कहा। उन्होंने बाल विवाह को रोकने तथा 16 से कम उम्र की स्त्री तथा 25 वर्ष के पुरुष के विवाह पर जोर दिया। उन्होंने समुद्र यात्रा, खान पान तथा अंतरजातीय विवाह को वर्जित न मानने पर भी जोर दिया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने तथा अस्पृश्यता त्यागने पर जोर दिया था। समाज सुधार के लिए ही उन्होंने वैदिक शिक्षा पर जोर दिया। दयानंद वेद परमेश्वर का दयानंद के अनुसार वेद परमेश्वर का शुद्ध रूप है और वेदाध्ययन का अधिकार सभी मनुष्यों को है। उनका विश्वास था कि समुचित शिक्षा के अभाव में भारतवासी किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते। ब्रह्मचार्य पालन को उन्होंने सच्ची शिक्षा पद्धति की अनिवार्य शर्त बताया तथा उन्होंने माना कि शिक्षण पद्धति चरित्रवान और विद्वान व्यक्तियों के द्वारा ही संपन्न होनी चाहिए। 18 वर्ष तक शिक्षा निशुल्क तथा अनिवार्य बनाई जानी चाहिए और गुरुकुल शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया, नारी शिक्षा का समर्थन किया था। तो इस प्रकार उन्होंने समग्र रूप से जो है उनके जो है सामाजिक सुधार पर बल दिया था। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हम देखें तो उन्होंने राजनीतिक चिंतन के रूप में चाहा कि भारत परतंत्रता से मुक्त हो और भारतीय समाज में फूट समाप्त हो तथा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचार को प्रोत्साहन मिल सके। वे प्रजातंत्र के समर्थक थे। स्वामी जी एक लोकतंत्रवादी थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा जो लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित थी से अपनी निष्ठा रखी। उन्होंने आर्य समाज का संगठन और चुनाव इसी आधार पर किया था। जिस आदर्श राजतंत्र की रूपरेखा दयानंद ने प्रस्तुत की उसके सभी स्वीकृत और विधिक अंगों के निर्माण के लिए निर्वाचन के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर उन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने माना कि लोकतंत्र वर्ग विशेष अथवा जाति विशेष का समर्थक न होकर सभी के लिए समान है। शासन प्रणाली के रूप में वे प्रबुद्ध राजतंत्र के समर्थक थे और उनका राजनीतिक दर्शन मनुस्मृति तथा वेदों के विचारों का सम्मिश्रण था। मनुस्मृति से उन्होंने यह धारणा ग्रहण की कि राज्य की जड़ें धर्म पालन में ही निहित हो। मनु का मानना था कि वही राजा श्रेष्ठ है जो धर्म के अनुरूप शासन करता है। वे राजकार्य में मंत्रियों से सहयोग लेता है। मनुस्मृति के दर्शन से प्रभावित होकर राजा के निश्चित गुणों की अनिवार्यता तथा राजतंत्र को मर्यादित कर उसे जन इच्छाओं का सम्मान देकर राजकार्य चलाने को उन्होंने प्रेरित किया था। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बीज वेदों से ग्रहण किए थे। राजनीतिक क्षेत्र में ही वो ग्राम प्रशासन के समर्थक थे। उन्होंने राजतंत्र की कल्पना तो की पर ग्राम को वहाँ प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता दी उन्होंने और ग्राम प्रशासन के संबंध में वे मनु से प्रभावित थे। उन्होंने ग्रामों की राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता दिखाई थी। इसी प्रकार वो धार्मिक सहअस्तित्व के समर्थक थे। उनका मानना था कि सभी धर्म अपनी मान्यताओं तथा आस्थाओं के साथ भी जीवित रह सकते हैं। उनका मानना था कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव है। वे चाहते थे कि धार्मिक एकता के आधार पर विश्व एकता बनी रहे और इसके द्वारा विश्व एकता संभव भी है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न धार्मिक नेताओं को विचार विमर्श करना चाहिए।
हालांकि फिर भी उन्हें हिंदू धर्म पर ईसाइयत तथा इस्लाम की तरफ से मिले प्रहारों से रक्षार्थ हिंदू धर्म की रक्षा करनी पड़ी थी। उन्हें ने दैविक नियमों की श्रेष्ठता पर विश्वास था और व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने ईश्वर की प्रभु सत्ता को नहीं स्वीकारा और किसी सत्ता में जो है अपने व्यक्तिगत जीवन को महत्व नहीं दिया। उन्होंने ईश्वरीय कानून और राष्ट्रीय कानून में ईश्वरीय कानून को श्रेष्ठ माना और सार्वभौमिक सत्ता माना। तो इस प्रकार वे ऐसे धर्म और सामाजिक सुधारक थे, उन्होंने हिंदू धर्म और समाज में एक क्रांति उत्पन्न की। उन्होंने एक ओर हिंदू समाज की बुराइयों पर वार किया और दूसरी ओर उसे विदेशी आक्रमणों से बचाया। उन्होंने बचाव की नीति को छोड़कर हमला शुरू किया तथा मुसलमानों व हिंदुओं के हमलों का सामना किया व हिंदुत्व को बचाया। हालांकि इस उन्हें सांप्रदायिक भी कहा गया, पर उन्होंने हिंदुओं में उत्पन्न निराशा को आत्मविश्वास में परिवर्तित करने का कार्य किया था। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने दयानंद सरस्वती के जो है सामाजिक विचार, शैक्षिक विचारों पर और राजनीतिक विचारों पर थोड़ा चर्चा करी। बाकी के भी हम और चर्चा करेंगे, इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।